आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई मैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है मेरे होने वाले मंगेतर पे। यार हाँ यार, मैं शादी कर रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे मम्मी पापा ने धक्के से शादी फिक्स कर दिया है। छोटी मोटी कोई शादी फिक्स कर दी तो यार मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। और जो मेरा होने वाला मंगेतर है ना, मम्मा ने मना किया था यार कि उससे फ़ोन पे बात कर लियो, लेकिन मिलियो मत। यार आज के टाइम में ऐसी सोच किसकी होती है। तो मैंने इस बंदे को आज सीपी दिल्ली मिलने बुलाया। वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, नाम है उसका शिवम। तो पता नहीं यार मुझे कैसा दिखता कैसा नहीं, यार धक्के से शादी फिक्स कर दी। यार ऐसा हो सकता है क्या यार धक्के से? मेरे को क्या पता बंदा कैसा है कैसा नहीं। यार मुझे नहीं करनी शादी, तो यार उस पर करने वाली हूँ मैं महावारी प्रैंक, क्योंकि मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो मैं उस बंदे को फ़ोन करके मिलने बुला रही हूँ, आने ही वाला है वो। फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचा। बाकी आप वीडियो में पूरा रहो, क्या होने वाला वीडियो में मुझे भी नहीं पता। रिएक्शन बहुत फाड़ आएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ। तो फ़ोन मिला जाए बंदे को, सुना बंदा बड़ा शरीफ है यार। शिवम कहाँ पहुँचे यार? यार पता नहीं, मैं तो गेट नंबर कहाँ पे 7 है शायद। हाँ बात करा। हाँ हाँ गेट नंबर 7 है ना, ठीक है। तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ वहीं पे। तुम्हें पता नहीं ना ज़्यादा यार, खो जाओगे तुम। यार आ रही हूँ मैं, है ना? ओके यार वेट करो, मैं उसको लेके आ रही हूँ गेट नंबर 7 से। कैमरा लगा लेना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि binani.com जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे आप पैसे किस तरीके से जीत सकते हो, और आज मैं आपको जीतने का तरीका भी बताऊंगी यार। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम डील को ओपन करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि चार्ट अभी धीरे धीरे डाउन चल रहा है, इसका मतलब ये 1 मिनट बाद जो चार्ट है ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो मैं इसमें अभी तरीका अपना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 90% ये मेरे दिमाग के हिसाब से ही जाता है, तो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। तो आज मैं इसमें लगाऊंगी 5,000 रुपये और वेट करूंगी डील के क्लोज होने तक का। तो ये जा रहा है ऊपर, गया, यस यस यस, ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ओ यस। तो गाइस देखा आप लोगों ने, मैं नहीं, मेरी ट्रांजेक्शन वो कम्प्लीट हो चुकी है, और जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो पूरे 9,000 रुपीज़ का। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितना आसान है बिना इससे पैसे कमाना। और गाइस इसके सबसे खास बात ये है कि आप अपने जीते हुए पैसों को इजली अपने विड्रॉल भी कर सकते हो। और गाइस ये फुली टेस्टेड साइट है, मैं अपनी डेली पैसे इसमें विड्रॉल कर लेती हूँ। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप यहाँ पर बहुत सारे पैसे अच्छे कमा सकते हो। मैं भी अक्सर बनानी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पैसे कमाती हूँ यार। तो यार अगर इसका जो प्रॉफिट है मेरे को बहुत ही अच्छा मिलता है, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो गाइज डोंट मिस योर चांस, स्टार्ट करो binani.com से पैसा कमाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। और बताओ कैसी रही तुम्हारी यात्रा? सही था, बट काफी ट्रैफिक है दिल्ली का। दिल्ली में तो यार बहुत ट्रैफिक है यार, तभी तो दिल्ली बदनाम है। और बताओ, वैसे एक बात तो है, मुझे मम्मी पापा से यही उम्मीद थी। क्या भला पूछो, क्या तुम्हारे जैसा लड़का आया ना। अच्छा अच्छे लग रहे हो यार तुम तो। शादी की उम्र कहाँ से होगी तुम्हारी? शादी की उम्र तो नहीं हुई है, बट आपको देख के सोचा मिलने आ जाता हूँ। अच्छा मतलब मेरे को देख के तुम्हारा इरादा बदल गया है ना, शादी करने का हो गया। हाँ हाँ, मम्मी ने फोटोज भेजी थी तुम्हारी, ये देखो। हाँ मेरी देखी हुई है। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया सब बढ़िया। क्या करते हो तुम? मैं बस अभी MBA किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा हूं। इतनी जल्दी शादी करके क्या करोगे? इतनी जल्दी शादी? यार बात ही है ना, मैं ये सोच ऐसी लड़की कब मिलती है ना यार। ये तो है, लेकिन मैं सोच रही थी यार अभी शादी वादी ना रहने देते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं, कुछ टाइम रुक के कर लेंगे ना। शादी के लिए तो पूरी जिंदगी बड़ी है, अभी फ्यूचर पे ध्यान दे ले। तुम भी अपना फ्यूचर देखो यार, पैसा वैसा कमाओ, अच्छा नाम कमाओ। पैसे वैसे कमा लिए फिर तुम निकल गई तो? यार मेरी जैसी लड़की तुम्हें बहुत मिल जाएगी वैसे। नहीं नहीं मतलब तुम शादी करके मानोगे मुझसे? यार देखो मैं ना शादी से पहले ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। होता है ना कि शादी से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें बता दूँ यार, मेरे ना बहुत सारे बंदे बंदे हैं, देखो सब चलेगा। बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे बहुत सारे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बॉयफ्रेंड ही तो है। मतलब 6-7 तो अभी मेरे आने वाले हैं यहाँ पे सिटी में, कभी मेरे को मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार कभी इससे मिलना। फ्रेंड ही है ना बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड्स मतलब घूमने फिरने जाना, रात को रुकना, मतलब इधर उधर ओयो में चक्कर लगाना, मतलब घूमना फिरना, समझ रहे हो ना? मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड
स्पेंड करना ये सब चल रहा है मेरा। चलेगा वैसे तुम मेरे साथ भी तो रहोगी ना, चलेगा। तो मतलब तुम्हारी सोच कैसी है यार, मतलब तुम अपनी होने वाली वाइफ को, होने वाली जिससे मतलब शादी होने वाली है बीवी को, तुम मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि वो औरों के साथ घूमे फिरे? नहीं नहीं मैं थोड़ा बहुत एडवांस हूँ, बहुत ब्रॉड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यार सही हो यार तुम तो। अब ऐसे ही देखोगे तो अनुष्का भी तो घूमती है, विराट को कोई दिक्कत है क्या? तो वो तो सेलिब्रिटी है ना यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें पता है मैंने चैनल वैनल बना रखा है और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, तो तुम्हें पता है कि मैं वीडियोस भी करती हूँ और आने वाले टाइम में मेरे को मतलब मैं सोच रही थी किसिंग प्रैंक भी करती, किस विस करती लड़कों को। हाँ तो किस में क्या है, इस प्रैंक ही तो है, किस में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छा मतलब तुम्हें किसी चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको मेरा कॉल आ रहा है। अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यार मैं दारू वारू बहुत पीती हूँ। हाँ हाँ साथ बैठ के पियेंगे ये तो और अच्छी बात है। तुम दारू पीते हो? हाँ। लगता तो नहीं तुम्हारी शक्ल से, तो मम्मी पापा से यही उम्मीद थी ऐसा ही लड़का पसंद किया। तुम्हें दारू वारू से भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अरे यार कोई दिक्कत है क्या? साथ बैठ के पियेंगे क्या दिक्कत? नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड होगा ना, मुझे लग रहा था कि वो मुझे अवॉइड करेगा दारू वारू पीने से, कि हाँ ये हुक्का वुक्का मेरा चलता रहता है। मतलब मैं सुट्टा वुट्टा बहुत ज्यादा पीती हूँ, मतलब दिन में कम से कम ज्यादा नहीं 40-50 सिगरेट तो पी लेती हूँ यार। 40-50 में क्या है, साथ ही पियेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पी लेना साथ में शेयर कर लेना। अच्छा मतलब तुम्हें मेरी कोई चीज से दिक्कत नहीं है? यार बात यह मैं ना घर पे गाली गलौज पड़ी करती हूँ और मेरे को पक्का पता है मैं ये रिश्ते निभा नहीं पाऊंगी यार, और ये सास ससुर मेरे झमेले से बाहर है ये सब। अरे सही है ना, अलग अपने अलग घर ले लेंगे। तो मतलब तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ दोगे मेरे लिए? हाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा मतलब उनसे जाएंगे वीकेंड पे मिलेंगे क्या दिक्कत है? और मैं वो जो किसिंग प्रैंक करूंगी आने वाले टाइम में तो मैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, किस विस करूंगी मैं लड़कों को? इसी तो है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी तो करोगी ना, फिर क्या दिक्कत है? छी यार कैसे सोचे तुम्हारी, कितने गंदे हो तुम। मुझे तो लगा मम्मी पापा ने बच्चा भी उठा के भेज दिया शादी वादी के लिए, लाया तुम तो बड़े एडवांस हो है, मुझे लगा मैं ही एडवांस हूँ। बट यार मैं ये सोच रही थी कि शादी थोड़ा टाइम रुक के कर लेते हैं, क्या पड़ेगा शादी वादी में? मैंने कहा ना फिर तुम जैसी लड़कियाँ फिर कहीं और चली जाओगी। यार मैं खर्चे बहुत कराती हूँ, मैं बहुत डिमांडिंग हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियाँ खर्चा नहीं कराएगी तो और कौन कराएगा, हम कमा भी किस लिए रहे? अरे यार अच्छा कमा भी तो रहे हो, सही बोल रहे हो वैसे तुम। चलो मेरा एक मिनट कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लो है ना। हेलो हाँ जान, आई लव यू बाबू, कैसा है तू? बस मैं आने वाली हूँ, यही या हूँ गेट नंबर 7 पे एक लंगूर के साथ बैठी हूँ। मतलब हाँ नहीं नहीं वो मैंने कर दिया काम, उसका काम ख़त्म है। बाबू रात को मिलोगे ना? हाँ यार एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मज़ा आएगा ना यार, बहुत दिनों से मन कर रहा है यार मिलने का तुमसे। चलो ठीक है ओके। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? मैं तो बोला था मेरे 36 बॉयफ्रेंड है, 36 शादी। अरे अभी तो तुम सुनो तो, बात तो सुनो नहीं, अभी नहीं, तो अरे एक बार तो सुनो, नहीं करनी, एक बार सुनो तो, नहीं नहीं मिलते, इधर तो आओ, बात तो सुनो, तुम तो भागे जा रहे हो यार। यार अभी तो तुम बोल रहे हो एडवांस जो, तुम हर कोई दिक्कत नहीं है मेरे 36-40 बॉयफ्रेंड से, अब तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो यार। तुम प्रैंक के बारे में बात कर रही थी कि तुम प्रैंक करती हो, तो इसका मतलब माना मेरा काम में मैं प्रैंक में किसिंग करूंगी तो मतलब मेरे बॉयफ्रेंड्स भी तो है ना, मैं तो ये बोल रही हूँ, तुम अभी तो एग्री हो रहे थे कि हाँ मेरे को भी किस कर लियो उनको भी कर लियो कोई दिक्कत नहीं है अब तुम। अरे तो वो प्रैंक में मैं एक्सेप्ट कर रहा था, ऐसे थोड़ी ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं अभी तो सारी चीजें तुम एग्री कर रहे थे वहाँ बैठे हुए। नहीं नहीं वो तो मैं सोचा था प्रैंक में तुम्हारा काम है तब चलेगा। तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे को करनी भी नहीं है तुमसे शादी वादी, और सुनो मेरी मम्मी को बोल देना मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं यही रहूंगी, मुझे भी नहीं करनी, ठीक है? तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करूंगी मैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ, हंसने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी नहीं करनी, हाँ मुझे नहीं करनी, मेरे को भी नहीं। सर ऐसे लड़के 36 आते हैं, और सुनो इधर आओ, मैंने सोचा कि तुमसे पहली बार मिल रही हूँ तो तुम पे ही प्रैंक कर दूँ, वो देखो कैमरा लगा हुआ सामने, इधर तो आओ। मैं मजाक करी थी यार, देखो सुनो प्रैंक छोड़ो अपनी जगह, लेकिन प्लीज़ यार मम्मी को समझा देना मुझे शादी वादी नहीं करनी है, ठीक है? मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ ना, कुछ करना चाहती हूँ यार, है ना? तुम कोई और देख लेना, तुम्हें 36 मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है? वो जाओ सामने रास्ता, चलो बाय। अंगेतर को भगा दिया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छी अच्छी वीडियो जरूर आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।